कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की नींद खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद खुली। भरी संसद में आरोप लगा दिया कि निज्जर के मर्डर में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। आपको तो ये बात करने जेब देती ही नहीं है, जो आपने ये बात कर दी है ना, ये जेब आपको, आपका ये बयान बनता था कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे आज सही अटैक हुआ है कि ये मैंने बात, ये इंडिया चांद पे पहुंच गया, मैं अब मरने लगा हूं। कनाडा के हर एक्शन पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच $8 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। सियासत सीखने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को मोदी के पास जाना चाहिए, उनके मुल्क में जाना चाहिए, 5 साल उधर से सीख के आ जाओ, फिर हम तुम्हें वेलकम, फिर हम कहेंगे शायद मोदी से कुछ सीखा है, शायद मोदी ने मुल्क अच्छा किया, ये भी अच्छा करेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है 40% को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले सालों में बताया जा रहा है कि ये 60 तक जाएगी, 60% तक। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, ये वो गुर्बत है जो जिसमें हम कहते हैं कि ना कपड़ा, ना मकान, ना रोजगार, ना घर, रहने को छत भी नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए गरीबी तो है, लेकिन एक्सट्रीम गरीबी की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ती चली जा रही है। सर, मैं कहा कि दो कौम एक दो नजरिए से, एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे? सर, वहाँ पे वो उन रह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो जो इंतहा पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं, हिंदू कट रहे हैं, कईयों बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों जैसा कि भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक तनाव चरम पर है, ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंटों का हाथ है और उनके देशों की सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके सबूत भी हैं। लेकिन भारत ने ट्रूडो के दावे को बेतुका बताते हुए इसका खंडन किया है। इसके लिए भारत ने कनाडा से सबूत भी मांगे हैं जो उसे अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन बाद में ट्रूडो ने दावा किया है कि कनाडा ने भारत के साथ सबूत को कई हफ्तों पहले ही शेयर कर दिया है। अब खुलासा हुआ है कि इस मामले में कनाडा को जो भी कथित सबूत मिले थे उसे अमेरिका ने सौंपा था। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी कर रहा था। एक मित्र देश के लिए दूसरे मित्र देशों के राजनयिकों की जासूसी करना सीमा को पार करने वाला मामला है। ऐसे में कूटनीति के कई बड़े विशेषज्ञों ने कनाडा और अमेरिका की आलोचना की है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। देश में गरीबी की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो इकदाम फौरी तौर पर ना किए गए, अभी तक जो पॉलिसीज आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसको, इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो इसी तरीके से जिंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले, हम आपको ये बता रहे हैं, पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा, कहा गया कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तिसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ दी वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बन चुकी है और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको तीसरे उस पर पहुंचाऊंगा, ये हम सब प्रोग्राम्स करते रहे। तो वर्ल्ड बैंक में भी इसको मेंशन किया गया और कहा गया है कि इन कंट्रीज की आप तरक्की देखिए और इन्होंने जैसे एक क्राइसिस के वक्त में, बहरान के वक्त में सही फैसले किए हैं, जिस तरीके से चैलेंजेस पर काबू पाया है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस थे उन पर उन्होंने जो है उनको, उससे आगे निकल गए तो कामयाब रहे। तो पाकिस्तान में जो है अब ये टाइम है कि पॉलिसीज चेंज की जाएं और उनकी पैरवी की जाए। तो यहाँ पे तो यही एक रोला पड़ जाएगा, ओहो इंडिया की पैरवी, भाई क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम, यानी आप ये देखिए, हम कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि आप जब नेबरिंग कंट्रीज की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश और जितने हमारे जितने भी कंट्रीज, नेपाल, अफगानिस्तान, इसमें बल्कि अफगानिस्तान की भी इकॉनमी तो पाकिस्तान से सभी की बेहतर है ना, तो जो चंद तरक्की में आगे जा रहे हैं हम उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं, हम ये स्टेप्स लेने के लिए तैयार नहीं है। पल पल की हमारी आर्मी को खबर है कि बाहर दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी
मतलब है कि जजों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि गाफिल तो नहीं रह सकते ना, हर चीज़ का पता है। तमाम सियासतदानों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या इंडिया ऊपर जा रहा है, मगर हमें नहीं बता रहे, ये हमें नहीं पता लगने दे रहे आवाम को। ये कहते हैं इंडिया बहुत पुअर है, इंडिया बहुत ख़राब है, ओए हमने तुम्हें बचाया हुआ है, हम ना हो तो तुम्हें इंडिया खा जाएगा, मार जाएगा। भाई अब देखो उसके मुँह से खुद सच निकल गया है, नवाज शरीफ के मुँह से सच निकल गया है कि ये हालात हैं, और हमारी क्या औकात है जब हमारी औकात नहीं है। वो कहते हैं अफसोस होता है पड़ोसी कंट्री की हालत देख के और फिर अपनी हालत देख के, कि जो कंट्री $1 अरब के लिए हर कंट्री के आगे भीख मांग रही है, वो क्यों नहीं देख लेती कि उसके पड़ोसी कंट्री में G20 हो रहा है, उसके पड़ोसी कंट्री चांद तक चला गया है, चांद तक चला गया। अकबर भाई ये एक्स वजीर आजम कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे तो अफसोस हो रहा है, इस चीज़ पे शर्म नहीं आ रही कि अपने लिए कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सका, इस चीज़ पे शर्म नहीं आती जब टैबलेट ऊपर नीचे हो रहे थे जी, यहाँ इलाज नहीं हो रहा, मैं मर रहा हूँ, इस पे शर्म नहीं आती? 3 बार आप वजीर आजम रहे हो, वजीर आला के रहे हो, तब आपको शर्म नहीं आती थी जब आपके पास इख्तदार था, जब आप सब कुछ कर सकते थे? दुनिया के बड़े बड़े वज़ीरे आजम जो है वो भारत की सरजमीन पे आए हैं, उन्होंने भारत को अप्रिशिएट किया G20 कराने में, यहाँ तक तो उन्होंने ठीक कहा, और हमारी जो हालात है उसमें भी झूठ तो उन्होंने नहीं बोला। नहीं उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, मगर उनको क्या तकलीफ थी कि उनकी तारीफ करने के, कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया में G20 हो रही है, कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया चांद पे चला गया, कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया तरक्की कर रहा है? भाई सबको पता है, और तुम्हें क्या तकलीफ है तारीफ करने की? तुम फिर ठीक है इंडिया चले जाओ, 5 साल उधर रह के आओ, जो सियासत तुम्हें नहीं आती उनसे सीख के आ जाओ, मोदी का शागिर्द बन जाओ। देखो जब क्रिकेट सीखने के लिए इंडियन इधर आते रहे हमारे पास, मियादाद के पास, अब्दुल कादर के पास, इमरान खान के पास, तो सियासत सीखने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को मोदी के पास जाना चाहिए, उनके मुल्क में जाना चाहिए, 5 साल उधर से सीख के आ जाओ, फिर हम तुम्हें वेलकम, फिर हम कहेंगे शायद मोदी से कुछ सीखा है, शायद मोदी ने मुल्क अच्छा किया, ये भी अच्छा करेगा। तो ये इस तरह के बयान उसको देने जेब नहीं देते, ये वैसे बयान वो उसको दे देता है कि जिसने कोई मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हो, अपना सब कुछ लुटाया हो, अपना सब कुछ बेचा हो, अपना सारा कुछ का तबाह हो गया हो, वो ऐसी बात करे तो क्यों कहे जी मेरा सारा कुछ तबाह भी कर दिया है, मेरी सब जदादें खत्म हो गई हैं, फिर भी आप मांग रहे हो। अकबर भाई मुझे ये बताएं, वो अक्सर और बेशतर कहते हैं कि हम मेडिकल की वजह से उधर गए हुए हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर 3 बार उन्होंने इस कंट्री के अंदर हुकूमत की है तो एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बना दिया? आज भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान से लोग भारत जा रहे हैं, आज भी हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो भारत के अंदर इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भारत जाएं और वहाँ से करवा के आएं। आखिर अगर ये इतना रोना धोना करते हैं, ये अपने मुल्क में क्यों नहीं ऐसे हॉस्पिटल बना लेते, अपने मुल्क को क्यों नहीं इतनी तरक्की दिला देते? आज जो ये भारत की मिसालें दे रहे हैं कि भारत चांद पर पहुँच गया है, भारत में G20 हो रही है, हम $1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं, यही हुक्मरान थे ना, तो इन्होंने क्यों नहीं मुल्क की तकदीर बदली? देखिए जब किसी मशरूक के घर जाना होता है तो उसका कोई बहाना चाहिए होता है, मेरा कबूतर इधर आ गया है, मेरी कोई चीज़ यहाँ गिर गई है। इनकी मशरूक है बरतानिया, लंदन, ये तो अगर यहाँ इलाज होने लग जाएगा फिर किस बहाने से, किस मुंह से जाएंगे, क्या कह के जाएंगे?